नेक्स्ट डाउट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी क्रॉस क्यू, पी प्लस क्यू एंड पी क्रॉस क्यू, मस्त कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप बेटा पी वेक्टर इस डायरेक्शन में लेते हो, क्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में लेते हो, अगर तो ये दोनों वेक्टर मेरे बोर्ड में आ गए, तो ये दोनों कोप्लेनर है, एक प्लेन में आ गए। ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। क्लियर? अच्छा, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ना पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये भी ये बोर्ड में ही होगा। मतलब पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में आ गए। क्लियर? अब मुझे देखना है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, पी क्रॉस क्यू। पी की डायरेक्शन में फिंगर रखेंगे, क्यू की डायरेक्शन में फिंगर्स को टर्न करेंगे। आप बताओ पी क्रॉस क्यू कौन सी डायरेक्शन में होगा? बाहर की डायरेक्शन। पी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखो, क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स टर्न करो, तो बाहर की डायरेक्शन में होता है। तो ये जो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर है ना, ये बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन का है। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना आया? 90 डिग्री, पाई बाय 2। बराबर? पी प्लस क्यू मेरे बोर्ड में है एंड पी क्रॉस क्यू बोर्ड से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है, तो एंगल बनेगा 90, पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर? एक और पॉइंट बेटा याद रख लेना, बोला था टॉपिक में फिर भी, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टू गिवन वेक्टर्स। क्लियर है? ओके।